क्या नाम है आपका? अनेक सिंह। अनेक सिंह, क्या घटना हुई है? अब घटना तो सर क्या हुआ है, मर्डर हुआ है। तो कौन थे वो आपके? मेरा छोटा भाई है। क्या नाम था? सत्यपाल। कैसे हुआ था, कुछ पता है? अब ये तो पता नहीं कैसे हुआ, किससे हुआ था। गाड़ी में थे, गाड़ी में गोली मारी है गाड़ी के अंदर। कहाँ मिली थी गाड़ी? ये मुरारीलाल इंटर कॉलेज के आगे सूती नगर। क्या काम करते थे? ड्राइवर था वो। लगभग कितनी उम्र थी उनकी? लगभग 35 साल। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? परिवार में और कौन कौन लोग हैं? पत्नी है, बच्चे हैं तीन उनके। किस जगह के निवासी हैं? इसी गांव के, मोरा गांव के निवासी हैं। सर ये जो घटना हुई है यहाँ पे, इसका क्या मामला है पूरा? देखिए, ये रात्रि में 10 बजे के आसपास 112 नंबर पे एक राहगीर के द्वारा सूचना दी थी कि एक फोर व्हीलर मराजो गाड़ी में ड्राइवर सीट पे एक व्यक्ति है जिसके जो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। ये मटसेना थाना लगता है और नगला श्रुति गांव पड़ता है। मौके पे आके जब लोगों ने देखा तो ड्राइवर सीट पे एक व्यक्ति हो जिसको कनपट्टी पे जो है गोली लगी है, गनशॉट इंजरी है। और जो उसके पास हम लोगों को आधार कार्ड मिला उसमें उसका जो नाम है वो सत्यपाल निकल के आया है। अभी इसकी हम लोग संबंधित गाँव से इसकी शिनाख्त करवा रहे हैं। घटना के संबंध में टीमें बना दी गई हैं ताकि घटना के कारणों का और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जा सके। थैंक यू। अवसर पर क्या देशवासियों से कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, जो नफ़रतों की भेंट चढ़ा, मैं वो राजनीतिक बवाल हूँ। जो नफ़रतों की भेंट चढ़ा, मैं वो राजनीतिक बवाल हूँ। हाँ, मैं गुजरा साल हूँ, जहाँ बहती थी ब्यार प्यार और भाईचारे की, आज उस शहर पर ही मैं एक सवाल हूँ। मैं गुजरा साल हूँ, काश मैं जब आऊँ नए रूप में तो बवाल ये थोड़ा थम जाए, प्यार और सौहार्द की भावना मन के ग्लेशियर पे जम जाए। नींव रखें हम सब विश्वास की, गुजरी बातों पर बहुत मलाल हूँ। हाँ, मैं गुजरा साल हूँ। हम सब के बीच जो वारदातें घट चुकी हैं, जो नफरत बोई गई, जिसकी वजह से एक शांत शहर की फिजा खराब हुई, मैं चाहूँगा कि नए साल में हम वापस एक दूसरे में विश्वास कायम करें, भाईचारा, सौहार्द और प्रेम से रहें। ये नया साल हम सब के बीच में प्रेम और विश्वास लेकर। सभी प्रदेशवासियों को सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ।